खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 14,30,000 के पार, 82,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर मोदी की तारीफ के बांधे पुल, कल दिया था धमकी भरा बयान। ट्रंप ने WHO के वित्त पोषण पर रोक लगाने का किया ऐलान, साथ ही लगाया महामारी छुपाने का आरोप। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले शहर वुहान से लॉकडाउन खत्म, पटरी पर लौट रही है जिंदगी। पाकिस्तान में कोरोना काल में मची तबाही, स्वास्थ्यकर्मी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। देश में 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए की अपील। भारत में 5,194 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 149 लोगों की मौत। नोएडा के सेक्टर 8 में मिले 200 कोरोना संदिग्ध, पुलिस ने इलाके को किया सील, सभी लोग किए गए क्वारंटीन। कर्नाटक में आशा वर्कर से हुई मारपीट, पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा, धारावी झुग्गी बस्ती में सामने आए 2 नए मरीज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।